छत्तीसगढ़ अंशदायी पेंशन कर्मचारी कल्याण संघ NMOPS ने पूरे प्रदेश में पेंशन फॉर पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत की है। आपको यहां बता दें कि यह अभियान पुरानी पेंशन बहाली के लिए चलाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि यह अभियान 10 अक्टूबर तक चलेगा, जिसके चलते दुर्ग कोंदल के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने पोस्ट कार्ड अभियान में सहयोग किया है। स्वास्थ्य विभाग के पेंशन विहीन कर्मचारी रचना गोटा ने कहा कि प्रांतीय उपाध्यक्ष सरिता सिंह के नेतृत्व में पूरे स्वास्थ्य विभाग में पोस्ट कार्ड अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोडे कुर्से सेक्टर में सभी स्वास्थ्य संयोजक NNM नर्सों द्वारा तथा लेब टेक्नोलॉजिस्टों द्वारा मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल को पुरानी पेंशन बहाली के लिए पोस्ट कार्ड भेजा गया है। जितेंद्र कुमार गोयल ने बताया कि लोहत्तर सेक्टर में भी सभी कर्मचारियों द्वारा पोस्ट कार्ड अभियान में हिस्सा लिया गया है। इस पोस्ट कार्ड अभियान में स्वास्थ्य कर्मचारी राजेश संतोषी, प्रदीप वर्मा सहित कईयों ने हिस्सा लिया है। दुर्ग कोंदल से संवाददाता गेंदलाल मरकाम की रिपोर्ट। साथियों नमस्कार, मैं हूं कुमारी रचना गोटा, सब सेंटर गुदुम, ब्लॉक दुर्ग कोंदल। साथियों, मैं नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम को सपोर्ट करना चाहती हूं। मैं ये बताना चाहती हूं कि OPS और NPS में क्या अंतर है। OPS है ओल्ड पेंशन स्कीम और NPS है नेशनल पेंशन स्कीम। NPS जो है, जैसे कि 1 अप्रैल 2004 के चार से जिन्होंने ज्वाइन किया है ड्यूटी में, उनको दिया जाना है। तो OPS उसमें फ़ायदेमंद है, मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को। OPS में OPS जो है हमको सरकार दे रही है और NPS जो है हमको कंपनी दे रही है। OPS में हमको GPF का फ़ायदा है और GPF दर उसमें जो है वो फिक्स है, और NPS में वो सुविधा हमको नहीं मिलेगी। इसमें हमको ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा OPS में, और NPS में वो लाभ हमको नहीं मिलेगा। इसमें डेथ ग्रेजुएटी भी है OPS में, और NPS में वो लाभ हमको नहीं मिलेगा। फैमिली पेंशन है OPS में, और NPS में वो लाभ हमको नहीं मिलेगा। और हर 6-6 माह में OPS में जो है वो पेमेंट वृद्धि होगा, पेंशन जो है वो वृद्धि होगा, बल्कि NPS में वो लाभ हमको नहीं मिलेगा। लोन हम OPS से आसानी से ले सकते हैं, बल्कि OPS में आसानी से ले सकते हैं, बल्कि हमको NPS में मुश्किल होगा। और यदि मान के चलो साथियों कि हमारे जो कोई साथी कर्मचारी रिटायरमेंट हो रहे हैं, बहुत लोग रिटायरमेंट भी हुए हैं, और जिनको कि NPS का मार झेलना पड़ रहा है, NPS के तहत यदि हमारे किसी साथी कर्मचारी का वेतन जो है रिटायरमेंट के दौरान 32,000 है, तो उसको केवल 1 से 3,000 का लाभ होगा। और साथियों, जैसे कि आप जान रहे हो कि इस महंगाई के दौरान भी हमारा जो है 1 महीने का खर्चा ही, यदि हम चाहे बिल का ले लें, केबल टीवी का ले लें, हर चीज़ का ले लें, तो फिर वो जो है वो 1400 से 1500 का आता है। तो हमको केवल जो है शासन NPS की NPS स्कीम के तहत 1 से 3,000 का ही लाभ देना चाह रही है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ साथियों कि हमको NPS का बिल्कुल विरोध करना चाहिए। शासन जैसे जान रही है कि वो पेंशन योजना का लाभ जो है वो साधु संत हैं, मिनिस्टर्स हैं, फार्मर्स हैं, हर किसी को जो वो दे रही है, MLA को दे रही है और मिनिस्टर्स को दे रही है, तो वो हमें क्यों नहीं देगी? इसका लाभ वो हमें जरूर दे। हम मिनिस्टर्स जो हैं उनका ध्यान आकर्षण करने के लिए हमारे जो राज्यपाल सर जी हैं, मुख्यमंत्री सर जी हैं, उनको हमने ध्यान आकर्षण करने के लिए जो नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत 21 सितंबर से लेकर 24 सितंबर 2020 तक पोस्ट कार्ड अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम विनम्रता के साथ राज्यपाल सर जी और मुख्यमंत्री सर जी का ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे कि वो हमें NPS देकर रिटायरमेंट के बाद पूरी तरीके से अपंग ना बनाए, क्योंकि हमने जो है 30-30 सालों तक सरकार की बिल्कुल शिद्दत के साथ सेवा की है, ईमानदारी के साथ हमने अपना सेवा निभाया है। तो मैं ये चाहूँगी कि सरकार भी हमारे लिए उतना ही करे, जो कि हमारे लिए भी जायज है, क्योंकि हम 30 वर्षों में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करके, चाहे वो फिजिकली स्ट्रगल हो चाहे मेंटली स्ट्रगल हो, हम पूरी शिद्दत के साथ और ईमानदारी के साथ हम उस हर परेशानी का सामना करते हुए हमने शासन को सेवा प्रदान किया है। तो शासन का भी एक जिम्मेदारी बनता है, और उनसे विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि वो हमें ओल्ड पेंशन योजना का लाभ दे। धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं
incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.